गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकॉम सेमेस्टर वन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं आज आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो देख लेने के बाद हम एक आज सम करेंगे। चलिए फटाफट हम कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट देख लेते हैं। ये कंसाइनर के बुक्स में बनता है। दो अकाउंट्स हैं। जनरली आपको ये एक कंसाइनमेंट अकाउंट ही रेडी करने का कहा जाता है बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट एंड मार्क्स, पर अगर कंसाइनी अकाउंट बोले तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन यानी सबसे पहली एंट्री जो होती है जब गुड्स भेजे जाते हैं, कंसाइनर यानी कि जो ओनर होता है वो कंसाइनी यानी कि एजेंट को जो माल भेजता है उसकी एंट्री। माल एंट्री एक के बाद एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है, तो उस हिसाब से आप याद रखिए। तो माल भेजता है तब। दूसरी एंट्री होती है जब कंसाइनर होता है वो खर्चे करता है, वो जो भी खर्चे जितने भी खर्चे सारे माल भेजने के। तीसरी एंट्री जो होती है वो कंसाइनी होता है, वो कंसाइनर को एडवांस देता है क्योंकि कंसाइनर ने जो भी माल उसको भेजा है उसके बदले में वो सिक्योरिटी के तौर पर एडवांस देता है। वो एडवांस जनरली 99% केस में बिल्स रिसीवेबल होते हैं जिसे हमें डिस्काउंट करवाने। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट आती है। रिमेंबर स्टूडेंट, बिल्स रिसीवेबल की टोटल अमाउंट नहीं, सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट। देन वी हैव कंसाइनीज अकाउंट अगेन। यहाँ पर हम सिर्फ कंसाइनी के खर्चे लिखते हैं। कंसाइनी के खर्चे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, राइट। यहाँ पर आपको एक्सपेंस के टाइप्स आएंगे जो मैं वर्किंग नोट में समझाती हूँ आपको। उसके बाद तुरंत वापस कंसाइनी आता है और सिर्फ कमीशन, यानी कंसाइनी पहले अपने खर्चों के लिए और फिर वापस कंसाइनी कमीशन के लिए। ये आपका जनरल पीएनएल अकाउंट, यानी आपका प्रॉफिट हो तो यहाँ पर एंड इफ यू हैव अ लॉस देन यहाँ पर, यानी प्रॉफिट हो तो इधर और लॉस हो तो इधर। इस साइड से सबसे पहले सेल्स की एंट्री होती है, जो भी कंसाइनी माल बेचता है वो सारा। उसके बाद ये दो एंट्री आपकी एबनॉर्मल लॉस के वर्किंग नोट की है, मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस है तो जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो पीएनएल अकाउंट में, और इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम पास करती है वो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में। तो ये दोनों एक साथ होती है। फायर क्लेम एक्सेप्टेड जनरली आपके रिलेटेड ही एबनॉर्मल लॉस होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फायर क्लेम, अदरवाइज व्हाट एवर द क्लेम एक्सेप्टेड। देन क्लोजिंग स्टॉक आपका मेन वर्किंग नोट, हर एक सम में आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है मैं सिखा रही हूँ, एंड ये मैंने अभी आपको समझाया कि इफ़ यू हैव अ लॉस देन राइट ओवर हियर एंड इफ यू हैव अ प्रॉफिट देन राइट डाउन हियर। ओके, तो ये हमारा पहला कंसाइनमेंट अकाउंट रेडी हुआ। ओके, उसके बाद हमारा कंसाइनी अकाउंट, दोनों को एक साथ देखिए। देखिए यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट सेल्स है, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड पे लिखा, और कहीं पर भी कंसाइनी कुछ नहीं है तो यहाँ और कोई एंट्री नहीं। सेम वे डेबिट साइड पर जहाँ जहाँ कंसाइनी हम यहाँ लिख देते हैं, ये कंसाइनी के खर्चे और ये कंसाइनी का कमीशन, ये दोनों, ये रहा देखो कंसाइनी के खर्चे और ये कंसाइनी का कमीशन, ये दोनों यहाँ आ गए। तो ये किस चीज़ की एंट्री है? तो ये एडवांस है, बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री की थी। यहाँ पर हम बीआर अमाउंट, जितना भी पैसा वो एज एन एडवांस देता है, हम वो लिखेंगे, राइट। और ये जो मैंने स्टार करा हुआ है, दिस एंट्री, दैट इज दिस इज एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स, तो वो भी मैं आपको अभी जो सम कराऊंगी उसके उसमें या तो फिर उसके बाद वाले सम में आई विल मेक इट क्लियर व्हाट इज बैड डेब्ट एंड हाउ टू मेक एन एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स, राइट, क्योंकि उसमें डीसी डेल क्रेडिट कमीशन की एंट्री होगी। एंड द लास्ट, दिस इज योर आंसर, बैलेंस, बैलेंस ऑफ हुज, बैलेंस ऑफ कंसाइनीज अकाउंट। ये जो पैसा है कंसाइनी बैंक थ्रू यानी कि ड्राफ्ट थ्रू कंसाइनर को देगा। ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट योर कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट। आप इसे एक बार अच्छे से लर्न कर ले, समझ ले, एंड देन यू जस्ट राइट डाउन दिस वर्किंग नोट। चलो, ये जो आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट याद रखिए, दिस टू वर्किंग नोट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट कैसे बनता है? दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है, सो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है। अभी इनवॉइस प्राइस का सम होगा तो इनवॉइस प्राइस से, पर अभी हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, आपके मालिक यानी कंसाइनर के जितने खर्चे होते हैं बट प्रोपोर्शनेट। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनेट? फॉर एन एग्जांपल, आपका 10 टेबल बचा है एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आपका टोटल 1000 टेबल थे जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है बेचने के लिए, उसके खर्चे 5000 थे,
तो आपको प्रपोर्शनट इस तरह से ढूंढना है कि 1000 टेबल के खर्चे 5000, तो 10 हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक टेबल बचा है उसके खर्चे कितने. ओके, सो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 50 रुपीज़ आएगा. तो दिस इज योर प्रपोर्शनट एक्सपेंस. आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेम लेक्चर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनट. तो पहला आप कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे और दूसरा आप कंसाइनी के खर्चे ऐड करेंगे. बट यहाँ पर एक चीज याद रखनी, क्या आप सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे. नाउ व्हाट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये मैंने लिख के दिया आपको, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग जो बार बार होते हैं, नॉन रिकरिंग जो एक बार होते हैं. बार बार होने वाले खर्चे मोस्टली सारे के सारे सेल्स रिलेटेड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेल्स, है ना, तो गोडाउन रेंट, कैरिज आउटवर्ड. और नॉन रिकरिंग एक बार, यानी काइंड ऑफ गवर्नमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, ये सब एक बार होते हैं. कस्टम ड्यूटी, कैरिज इनवर्ड, माल छुड़वाने के खर्चे, क्लियरिंग चार्जेस, तो ये नॉन रिकरिंग. ये खर्चे हो तो आप ऐड करेंगे, ये खर्चे हो तो आप ऐड नहीं करें. यू आर एक्सक्लूडिंग, गोइंग टू एक्सक्लूड रिकरिंग एक्सपेंस फ्रॉम दिस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस. प्रपोर्शनेट कैसे ढूंढना है, आई जस्ट टोल्ड यू. ओके, इसमें ये दोनों ऐड करेंगे एंड यू विल हैव योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस है, मैंने यहाँ नीचे नोट लिखा है, दिस इज इफ देर इज अ रिपेयरिंग एक्सपेंस, देन यू हैव टू डिडक्ट दिस रिपेयरिंग एक्सपेंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. इसमें से आप रिपेयरिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे. ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग नोट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एबनॉर्मल, कोई भी सम आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का इन दोनों के बिना खत्म नहीं होने वाला. सो बी केयरफुल. नाउ एबनॉर्मल लॉस, सबसे पहले आपकी कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा. हियर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनवॉइस प्राइस और एनीथिंग एल्स, है ना. आपको कॉस्ट प्राइस से ही एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है. तो आप वो लिखेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, सारे कंसाइनर के खर्चे. बट प्रपोर्शनेट, हाउ टू फाइंड आउट प्रपोर्शनेट एक्सपेंस, अब भी जैसे आपको समझाया. ओके, देन आप उसमें ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी. सेम फंडा ये वाला कि आप नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, लेकिन इफ गुड्स रीच टू द कंसाइनी ओनली देन, आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ तब आपका माल आपके कंसाइनी के पास पहुंच गया है, तो कंसाइनी के खर्चे ऐड करिए. लेकिन अगर रास्ते में नुकसान हुआ है, इन ट्रांजिट, तो आप ये खर्चे ऐड नहीं करेंगे. तो ये वाला जो स्टेप है वो तभी आएगा व्हेन कंसाइनी के पास आपका माल पहुंच गया है, ऐड करिए. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. उसमें से इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम माइनस करिए. दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड दिस मच अमाउंट ऑफ क्लेम, और जो बचता है माइनस करने के बाद, दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस. मैंने आपको जो एंट्री सिखाई ना अभी, देखिए एबनॉर्मल लॉस कौन सा लिखेंगे आप, ये वाला, ये वाला, और इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम ये वाला. तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लास्ट अमाउंट. तो इस तरह से हमारी दोनों वर्किंग नोट होगी. एंट्रीज यहाँ मैंने नीचे लिखी हुई है, जो अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करी. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, चलिए ये हमारी वर्किंग नोट खत्म हुई. लेट्स डू वन सम. मैं आपको एक सम करवाती हूँ. ओके, सो दिस इज अ सम 51 धवल, पेज नंबर 102, आस्क इन गुजरात यूनिवर्सिटी 2011. पहले एक एंट्री मैंने कर दी है. धवल हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर, कंसाइन 100 टीवी कॉस्टिंग ₹3000 ईच टू हैमल. तो आपकी पहली एंट्री, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 100 टीवी, 3000 ईच, सो 3 लाख रुपीज. उसके तुरंत बाद एक्सपेंस है 5000 टुवर्ड फ्रेट एंड एक्सपेंस, कंसाइनर के ही एक्सपेंस, कैश अकाउंट 5000. आपको याद रखना है माल भेजता और माल भेजने के खर्चे कंसाइनर के. उसके बाद है 15 टीवी वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड द कंसाइनी ₹10000 ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेज केसेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. किस वजह से डैमेज हुआ है ये नहीं लिखा है. आपको याद रखना है कि व्हेनेवर देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी, देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस कंपनी. वजह नहीं दी, आग लगी, चोरी हुई, इंश्योरेंस कंपनी मतलब एबनॉर्मल लॉस. और रास्ते में माल 15 टीवी, 3000 रुपीस कॉस्ट प्राइस. हमेशा एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज वैल्यूड एट सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस. 15 टीवी 3000 रुपीस ईच, आपका टोटल होता है 45000. फर्स्ट स्टेप, ऐड कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस. मैं यहाँ नाम नहीं लिख रही हूँ, फर्स्ट सम है इसलिए आप नाम लिखिए. कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, धवल का खर्चा. कंसाइनर के खर्चे कितने, यहाँ से देख लीजिए 5000 कंसाइनर के. तो ये 5000 खर्चे, प्रपोर्शनेट का मतलब होता है
टीवी जो आपका एबनॉर्मल लॉस है उसका खर्चा कितना है? आपके टोटल खर्चे 5,000 हैं, बट कितने टीवी के हैं? 100 टीवी के। आपने 100 टीवी भेजा है कंसाइनर ने, हमें सिर्फ 15 टीवी के लिए ढूंढना है और आपका प्रपोर्शनेट हो जाएगा 750 प्लस। ओके, कंसाइनर्स प्रपोर्शनेट एक्सपेंस 5,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। आइडियली दूसरा स्टेप कंसाइनीज प्रपोर्शनेट एक्सपेंस आना चाहिए, पर क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि अगर कंसाइनी के पास माल पहुंचा हो तो यहाँ माल पहुंचा नहीं है, इन ट्रांजिट है, इसका मतलब हम कंसाइनी के खर्चे ऐड नहीं करेंगे। सो 45,750 दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। वर्किंग नोट हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मार्क्स इसके भी काउंट होते हैं आपके पूरे सम में। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड विच इज गिवन इन योर बुक 10,000। चलिए 10,000 हम माइनस करते हैं क्योंकि इतना पैसा हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस से। सो 35,750 योर एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस, ये सही में आपको हुआ। इसकी एंट्री कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया। अच्छी जगह छोड़ दीजिए क्रेडिट साइड पर सेल्स की, यहाँ पर, और फिर नीचे लिखिए बाय। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जितना भी क्लेम उसने एक्सेप्ट किया, हमारा 10,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, 10,000 लिखिए। एंड इंश्योरेंस कंपनी लिखने के बाद सीधा लिखिए पीएनएल अकाउंट फॉर एबनॉर्मल लॉस, या डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस लिखिए चलेगा। आपका एबनॉर्मल लॉस होता है 35,750। ओके, ये दो एंट्री आपकी हो गई। स्टूडेंट इतनी सी चीज़ के भी आपको काफ़ी मार्क्स मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ तक ही रुकिए, बट दिस इज स्टेप बाय स्टेप। माल भेजिए, एंट्री, उसके खर्चे हो गए एंट्री, लॉस हुआ वर्किंग नोट, लॉस और इंश्योरेंस कंपनी के एंट्री। आगे बढ़ते हैं, देन हेमल टुक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन 10th मार्च एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर ₹2,50,000 फॉर 3 months। ये आपका बिल्स रिसीवेबल हुआ। डिस्काउंट की एंट्री तब आती है स्टूडेंट्स जब डिस्काउंट के परसेंटेज मंथ कुछ इन्फॉर्मेशन हो। इस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास एडवांस की अमाउंट है। एडवांस की अमाउंट हेमल का जो अकाउंट है, यानी कि आपका जो कंसाइनी का अकाउंट है, उसमें आपको बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करनी है। मैंने आपको अभी अकाउंट सिखाए हैं, तो ये हेमल का अकाउंट मैंने ड्रॉ करा है। बाय मियर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल आपका जो है वो है 2,50,000 का। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,50,000 इन ब्रैकेट एडवांस। ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट इज कंसाइनी रिपोर्टेड दैट सेल आया, 75 टीवी वेर सोल्ड एट 4,500 पर टीवी एंड ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। कंसाइनी के खर्चे हैं, बट जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द सेल। ओके, तो सेल है, कंसाइनी का नाम हेमल है, बाय हेमल्स अकाउंट, जितना भी उसने सेल किया है, जैसे भी किया है, नीचे मैं लिख देती हूँ 75 टीवी उसने सेल किए हैं और एक टीवी की कीमत है 4,500 ईच। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4,500 इट शुड बी 3,37,500। ठीक है, ये आपका सेल हुआ। इसने एक ही सेल दिया है, अदरवाइज वी हैव कैश क्रेडिट रिकमेंडेड सेल्स। आई विल डू द नेक्स्ट टर्म हैविंग ऑल दिस पॉइंट, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सो मस्ट बी लिटिल बिट लेस कंफ्यूजिंग। ओके, चलिए ये आपका सेल हो गया। जैसे ही आप सेल की एंट्री करें तुरंत कमीशन ढूंढिए, कमीशन है, चलिए एक्सपेंस दिया तो एक्सपेंस कर लेते हैं। गोडाउन रेट 4,000, हेमल के ही खर्चे हैं, टू हेमल्स अकाउंट खर्चे वन बाय वन मैं नीचे लिख रही हूँ। गोडाउन रेंट 4,000, वाई आई एम डूइंग दिस आई विल टेल यू। देन योर नेक्स्ट इज क्लियरिंग चार्जेस, ₹8,500, कैरेज आउटवर्ड सी आउटवर्ड ₹3,500। ओके, तीनों का हम टोटल करते हैं, टोटल आएगा आपका 16,000। हेमल का नाम है, चलिए हेमल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट में से हम एक्सपेंस ले रहे हैं, सो राइट डाउन हियर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, सीधा टोटल लिखिए 16,000 एक्सपेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Why I have written individual expense, go down rent, clearing charges and carriage outward. Go down rent आपका जो है वो हर महीने देना पड़ता है. So this is your R, recurring. Clearing charges माल एक ही बार छुड़वाते हैं, तो it's an N, non-recurring. Carriage outward आपका हर बार आप माल इधर उधर भेजेंगे तो recurring. इसका मतलब सिर्फ एक ही खर्चा है 8,500 का, non-recurring. हमको इसी को ध्यान में लेना है, ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कमीशन की ओर. योर कमीशन इज 10% ऑन सेल. सो आपका कमीशन ये रहा, सेल ये रहा उसका कमीशन. टू कमीशन हम हेमल को दे रहे हैं, हेमल्स अकाउंट. नीचे ही मैं कर देती हूँ 337,500 उसका 10%. सो 3375 यानी 33,750. ओके, देन ये हुआ आपका कमीशन. हेमल का ही है तो हेमल के अकाउंट में तो ट्रांसफर करेंगे. सो राइट डाउन हियर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट इन ब्रैकेट कमीशन 33,750. ये हो गई हमारी एंट्री. ओके, सेल की एंट्री हमने बाकी रखी है हेमल की. यहाँ पर मैं कर देती हूँ टू कंसाइनमेंट अकाउंट इन ब्रैकेट सेल. अमाउंट लिख देती हूँ 337,500. सो हमारे इन जनरल ऑलमोस्ट इस अकाउंट में सारी एंट्री हो गई और यहाँ पर भी हमें जितनी एंट्री दी है वो हो गई है. नाउ इट्स टाइम फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक. वेरी केयरफुली सब ध्यान से सुनिए. दिस इज योर फर्स्ट वर्किंग नोट, दिस इज योर सेकेंड वर्किंग नोट. क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले काउंट करो कितने टीवी बचे हैं. 100 टीवी वो भेज रहा था हेमल ने, अरे कंसाइनर ने हेमल को 100 टीवी भेजे. उसमें से रास्ते में इन ट्रांजिट आपके 15 टीवी का लॉस हुआ, माइनस 15 टीवी एबनॉर्मल लॉस. दिस इज योर टोटल टीवी. 100 में से 15 को माइनस करते हैं, आंसर इज 85 माइनस. अब आपने कितना सेल किया तो आपका टोटल सेल्स इज 75 माइनस कर दो 75. सो योर क्लोजिंग स्टॉक फॉर द टीवी इज 10, दिस इज सोल्ड. 10 टीवी बचे हैं, ठीक है. वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल है 10 टीवी मल्टीप्लाई बाय योर कॉस्ट प्राइस. आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी, सब कुछ यहीं से कॉस्ट प्राइस 3000, जितने से माल आपने भेजा 3000 रुपीस. सो इट शुड बी 30,000. पहला स्टेप कंसाइनर के प्रपोर्शनेट एक्सपेंस. चलिए कंसाइनर के टोटल खर्चे कितने थे 5000 और आप कितने टीवी के लिए ढूंढ रहे हैं, सिर्फ 10 टीवी के लिए. सो 5000 ऊपर 10, आपने भेजे कितने 100 टीवी. सो प्लस करके आप लिखेंगे 500 रुपये. दिस इज योर प्रपोर्शनेट फर्स्ट. सेकेंड कंसाइनी के प्रपोर्शनेट एक्सपेंस. कंसाइनी के खर्चे कितने 3 हैं, बट वी आर टेकिंग ओनली नॉन रिकरिंग. क्लियरिंग चार्जेस 8,500 तो हम लेंगे 8,500. सेम वे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नॉट 100. कंसाइनर भेजता 100 है पर कंसाइनी को मिलते 100 नहीं है, कंसाइनी को मिलते हैं 85 रिसीव्ड बाय कंसाइनी. व्हाई, बिकॉज रास्ते में आपके 15 टीवी लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं. चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 85. 85 कहाँ से आया, मैं नीचे ब्रैकेट में लिखती हूँ 100 माइनस 15 यहाँ से आया. प्लस आपका यहाँ पर आएगा 1000. ओके, तीनों का टोटल अगर हम करते हैं तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 31,500. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ये आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31,500. दैट्स इट, डन. मेक द टोटल, चारों का टोटल अगर हम करते हैं तो इट शुड बी 4,14,750. यहाँ पर भी 4,14,750 वी हैव अ प्रॉफिट. हम ये सब माइनस करेंगे सो आपका प्रॉफिट आएगा 60,000 टू जनरल P&L अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट. ठीक है, जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है
इट शुड बी ऑप्शनल, आप अपना सम कंप्लीट कर दे बस बहुत है, डिटेलिंग सिर्फ मैंने लिखी है फॉर योर फर्स्ट सम। कंसाइनिंग का अकाउंट क्लोज करते हैं, इनका टोटल ये वाला ज़्यादा है 3,37,500, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,37,500 में से बाकी की चीज़ें अगर हम माइनस करते हैं तो इट इज़ 37,750, दिस शुड गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर थ्रू ड्रा तो बैंक अकाउंट, ये एज्यूम ही कर लिया जाता है, सो यहाँ पर बैंक अकाउंट आता है। ओके, ये हो गया हमारा पूरा सम कंप्लीट। दिस इट्स स्टिल जिसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ क्वेश्चन, 10 मार्क्स में आपको, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो तो ये 10 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, नेक्स्ट मंथ विल बी योर एग्जाम मंथ, बी रेडी। एक दो तीन दिन में शायद आपका डेट भी आ सकता है गुजरात यूनिवर्सिटी का, तो रेडी रहिए। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट सम हो चुका है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर मैं आपको डेल क्रेडिट कमीशन और बैड डेब्ट्स इन सब के साथ वाला एक फुल फ्लेज सम कराऊंगी, दैट इज ऑल्सो गुजरात यूनिवर्सिटीज। ओके, चलिए बाय स्टूडेंट्स।